टॉप करता है या कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो ये उस लड़के की योग्यता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट क्लास में रहकर फेल हो जाता है तो इसमें टीचर की कमी है। क्यों? क्योंकि टीचर ने उस पढ़ाई को इंटरेस्ट नहीं बनाया। क्या होना चाहिए कि जो स्टडी है उसे एंटरटेनमेंट बनाना चाहिए। आप अगर अर्जुन का एग्जांपल दीजिएगा तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पढ़ाया था और पांचों पांडवों को पढ़ाया था, अर्जुन टॉप कर गया था। ऐसा नहीं है कि बाकी भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ये लोग चौपट हो गए, लोग ये लोग भी थे भाई, टॉप तो कोई एक ही ना करेगा। तो टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि भाई क्या है कि आपके क्लास को लड़का भाग जा रहा है। आप अपने भी स्कूल में देखे होंगे कि कुछ टीचर का क्लास आप छोड़ना नहीं चाहते होंगे और कुछ टीचर को देख के बुखार लग जाता होगा। यूट्यूब पर भी देखे होंगे कुछ टीचर के क्लास को आप स्किप कर करके भगाएंगे कि दो तरीके आधा घंटा तो दिमागे चट जाएंगे। और कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जिनको आप देखेंगे बिना स्किप किए आपको क्लास देखेंगे, आप कहेंगे नहीं यार स्किप नहीं करेंगे, कब कौन सा अच्छा चीज पढ़ा के निकल जाएंगे, इनका क्लास एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। छह टीचर की पहचान क्या है? जैसे अभी क्या होता है कि टीचर लोग स्कूल में आ जाते हैं, कहीं नहीं बनाते रहते हैं, कहाँ है कहीं, तो टीचर लड़कों से मंगा देते हैं, बोलूंगा पान लेते हो अमरीका की, अजय भाने बेचार लड़के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। टीचर्स के लड़कों को भी एक तरह का आप समझिए कि किताब में लास्ट में एक पन्ना जोड़ देना चाहिए एक अच्छे टीचर की पहचान। गुटखा पान खा रहा भाई, आपको अगर खाना है आप बुरा मत मानिएगा, अगर आप खाते होंगे तो आप स्कूल के बाहर खाइए। आठ घंटे क्लास में अगर आप स्कूल के पीरियड में नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे आप वहां से, लेकिन आपके वजह से एक लड़के का इमेज खराब हो जाता है, वो भी सोचेगा टीचर खा रहे तो हम क्यों नहीं खाएं। दूसरा, टीचर्स का जो पहनावा ओढ़ावा है उस पर भी एक इसके लिए भी एक कंडक्ट कोड होना चाहिए। आजकल क्या होता है कि जो खास करके इसे कोचिंग लाइन में हम करें, कोचिंग के टीचर जो होते हैं इतने महंगे कपड़े पहनने लगते हैं लोग ना, कि लड़के के अंदर एक अपने से एक तो भावना आने लगती है सर इतने अमीर है। यार एक स्टूडेंट जो होता है ना, काफी मीडियम फैमिली या गरीब लड़के ही ज्यादा पढ़ने आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो जो टीचर को देख के ना उसके अंदर एक लगने लगता है कि नहीं वो अमीर है, पैसे वाले हैं इसलिए उतना पढ़ के वहां चले आए हैं, और हम गरीब हैं हमारे पास उतना कपड़ा नहीं है अच्छे, तो नहीं। तो टीचर्स को भी सोचना चाहिए क्लास में जाना एक सिंपल वे में जाए ताकि आपको लगे कि नहीं हाँ आप भी एक नॉर्मल इंसान है। बाकी आप अपने पर्सनल जिंदगी में घूमिए ना, 2 करोड़ की लंबोर्गिनी कार खरीद के, कौन मना किया आपको। साथ ही आप देखा होंगे कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो क्लास में आएंगे तो अपने बारे में बताने लगेंगे, हम ये हम वो। अरे भाई साहब आप अपने ज्यादा अपने बारे में क्या जरूरत है हाँकने का, नॉर्मल चीजें बताइए ताकि लड़कों को थोड़ा बहुत इंटरटेन भी होते रहे। और अगर आप बहुत पढ़ने में अच्छे भी थे या बहुत अमीर घर के भी थे तो लड़कों के सामने इस तरह से बोलिए कि देखो भाई हम भी बहुत कमजोर थे पढ़ने में, हम भी नॉर्मल फैमिली से आते थे, हम भी मेहनत की, हम आगे आ सकते, तुम भी आ जाओगे। तो वहां क्या होता है फेंकने लगते हैं लोग, हम ये थे हम वो थे, इस पे भी थोड़ा गवर्नमेंट को रोक लगाना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या रोक लगाएगी, लड़कों को दे दो कि भैया ये चीजें अगर टीचर कर रहा है तो फालतू है। साथ ही टीचर्स को एक चीज और देखे होंगे कि एक टीचर दूसरे टीचर की बड़ी बुराई करता है, अरे वो फालतू पढ़ाता है ये पढ़ाता है। अरे भाई आप कौन होते हैं बताने वाले, आप इस चीज के टीचर हैं कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन खराब पढ़ा है। लड़का बेवकूफ नहीं है आज के वक्त में, वो सब देख लेता है, और भला करे भगवान यूट्यूब का। तो आज जो टीचर के बारे में लड़का पहले क्या था कि एडमिशन लेने के बाद जानता था कि ये टीचर कैसा है कैसा पढ़ाएगा, अब यूट्यूब पे ही देख लेता है कि कैसा पढ़ाएंगे। तो सरकार को क्या करना चाहिए, किताबों के पीछे कुछ ऐसे लिस्ट दे देने चाहिए कि अगर ये चीजें आपके टीचर में है तो समझिए कि आपके टीचर अच्छे नहीं है, ये डिग्रेड के चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि वो टीचर को भी समझ जाएंगे भाई साहब हर किताब के पीछे लिखा हुआ है कि गुटखा खाने वाला टीचर फालतू होता है, अब क्या होगा उनको मन भी रहेगा ना, तो गेट के बाहर खाएंगे, तब तक कहेंगे हमको डिग्रेड का घोषित कर देगा। इससे क्या होता है